गोरखपुर पुलिस ने अब डॉक्टर कफील खान का नाम हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट में डाल दिया है। इस लिस्ट में 81 लोगों के नाम हैं। डॉक्टर कफील का नाम इस सूची में जून 2020 में शामिल किया गया था, किंतु यह खबर अब सामने आई है। सूत्रों के अनुसार हिस्ट्री शीटर्स की सूची में डॉक्टर कफील का नाम वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर शामिल किया गया है, जिन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार के निर्देश पर गोरखपुर जिले के हिस्ट्री शीटर्स की सूची में शामिल किया गया है। याद रहे कि 2017 में गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 100 से ज्यादा बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मामले में लापरवाही के आरोप में डॉक्टर कफील को भी गिरफ्तार किया गया था, तभी से वह चर्चा में है। इस मामले की जाँच के लिए गठित विभागीय समिति ने 2019 में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन बाद में यूपी सरकार ने मामले की नए सिरे से जांच के आदेश दिए, जिसके उपरांत उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। जनवरी 2020 में डॉक्टर खान को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान 10 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण देने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत मामला दर्ज किया गया। निचली अदालतों में कई बार उनकी जमानत याचिका खारिज हुई, किंतु अंततः सितंबर 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने NSA के तहत खान की हिरासत को रद्द कर दिया और उनकी तुरंत रिहाई का आदेश देते हुए कहा था कि AMU में उनका भाषण नफरत या हिंसा को बढ़ावा नहीं देता। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन गत वर्ष मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने उसे खारिज कर दिया। एक जानकारी के मुताबिक गोरखपुर में 1543 हिस्ट्री शीटर हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। डॉक्टर कफील खान के भाई आदिल खान के अनुसार 18 जून 2020 को कफील के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गई थी, लेकिन यह जानकारी बीते शुक्रवार को मीडिया को दी गई। इसके बाद शनिवार को जारी की गए वीडियो संदेश में डॉक्टर कफील खान ने कहा, यूपी सरकार ने मेरी हिस्ट्री शीट खोल दी है। उनका कहना है कि वे जिंदगी भर मुझ पर निगरानी करेंगे। अच्छा है, 2 सुरक्षा कर्मी दे दीजिए जो 24 घंटे मुझ पर नजर रख सके। कम से कम फर्जी मामलों में से मैं खुद को बचा पाऊंगा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि अपराधियों पर निगरानी नहीं रखी जा रही, बल्कि निर्दोष लोगों के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली जा रही है। डॉक्टर खान ने ट्विटर पर लिखा, किसी वजह से अपराध अधिक है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों पर कोई कार्यवाही नहीं और राजनीतिक द्वेष में निर्दोष बेगुनाह पर कार्यवाही। उन्होंने आगे कहा कि वे न्यायालय और जांच रिपोर्ट में चिकित्सीय लापरवाही भ्रष्टाचार से दोष मुक्त है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन कांड का आरोपी कहा जाना बंद किया जाना चाहिए। डॉक्टर खान ने अपने वीडियो संदेश में यह भी कहा कि उन्हें राज्य सरकार को पत्र लिखकर उन्हें BRD मेडिकल कॉलेज में उनके पद पर दोबारा बहाल करने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरी हिस्ट्री सीट खोल दी है, कहते हैं ताउम्र सारी जिंदगी आपका निगरानी रखेंगे। मैंने कहा अच्छा है, 2 सिक्योरिटी गार्ड दे तो 24 घंटे निगरानी रखें मेरे ऊपर, ताकि कम से कम फर्जी केसों से तो बच सकूंगा। जब से NSA से बाहर आया हूं, मैं इनको हर महीने एक पत्र लिखता हूं कि मेरी नौकरी वापस कर दो, मैं जो हूं बच्चों की सेवा कर सकूं, अपने देश की सेवा एज अ डॉक्टर कर सकूं। घर बैठे मैंने दसियों आर्टिकल जो है कोरोना पे और बच्चों के हेल्थ रिलेटेड लिखे हैं। अभी मेरा आर्टिकल इंडियन जर्नल में भी और अमेरिकन जर्नल में भी पब्लिश हुआ है। उत्तर प्रदेश का हालत यह है कि अपराधियों की जो है निगरानी नहीं की जा रही है, और जो बेगुनाह है, जो निरपराध हैं, उनके ऊपर जो है हिस्ट्री शीट मेरे पर खोली गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।